तो ये सबसे आसान तरीका है नार निकालने का, तो आपने भी इसी तरीके से नार के दाना अंदर से निकाल लेना है। ये आप दूसरे तरीके से कैसे निकलते हैं वो आपको दिखाते हैं। दो पीस कर लें इसके, फिर इसको थोड़ा सा नरम कर लें साइड से। थोड़ा सा आप पीछे से हिट करेंगे, अनार जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसको भी आपने इसी तरह से कर लेना है चियों करके। तो ये देखें सारे जो अनारदाना सारा इसमें से निकल गया, तो ये बिल्कुल खाली हो गया है। है तीसरा नंबर वाला तरीका। तो ये तीसरे तरीके से हमें कुछ इसको यूं कट लगाना था खरबूजे की तरह। ये आपको सारे बीज अंदर से इसको नजर आ रहे हैं, यानी कि जो भी अनारदाना है वो नजर आ रहा है। इसको आपने कुछ यूं थोड़ा खोलना है, इसके बाद इसको आपने बैक साइड से थोड़ा हीट करना है, तो ये सारे उतर जाएंगे। तो ये अनारदाना हमने निकाल लिया है। अब एक ले लेंगे हम हंडिया और इसमें इसका जूस बनाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे हंडिया को अच्छी तरह से धो लेना होगा। तो ये अनार हम हंडिया में डालेंगे। बिस्मिल्लाह।
بھائی جو انار تھا انار دانے میں جوس تھا وہ تو ہم نے نکال لیا. اب اس کو ہم کریں گے سٹین. وہ بن لیتے ہیں. یہ رہی پونی اور یہ جو ہم نے جوس بنایا ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے. تو یہ رہا جوس اور یہ رہا انار کا چھلکا. اب اس میں ہم کالا نمک ایڈ کریں. جو مسالہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں کریں اور اس کو کریں انجوائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بس بس چلو گلاس.